हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BBY TV20। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पहले वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद आप सोचो आपको क्या करना है। आज हम SSC GD 2018 एंड 2011 का कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे, यानी DNE करेंगे। DNE का मतलब क्या है? डेली न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, हम कोर्ट केस के बारे में आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2011 का ऑल स्टूडेंट ने, दोस्तों SSC GD स्टूडेंट ने केस किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2011 का स्टूडेंट ने दिल्ली में प्रोटेस्ट भी किया था। ठीक है, उन लोगों ने दिल्ली में धरना पर बैठा था। ठीक है, ठीक जैसा ये 2018 में जो हाल है ना, ठीक है, SSC स्टूडेंट का, ठीक 11 में दोस्तों 2011 में यही हाल हुआ था उन लोगों का साथ। ठीक है, यही हुआ था। ठीक, तो उन लोगों ने दोस्तों कोर्ट में केस किया था। ठीक है, उसके बाद उन लोगों का सेकेंड लिस्ट आया है। तो ये देखिए, उसका प्रूफ ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन ITBP 2011 सेकेंड एडिशनल लिस्ट ऑफ सिलेक्ट कैंडिडेट ऑल रीजन। ठीक है, OBC SC ST जनरल सबको दोस्तों आया, सेकेंड लिस्ट आया था। ये देखिए नीचे क्या है, एकदम नीचे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल GD BSF CISF CRPF एंड SSB एग्जामिनेशन 2011 इम्प्लेंशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर RAG। उस टाइम NIA SSF नहीं था। तो ये देखिए, हम लोग आपके साथ प्रूफ के साथ बात करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए उसका प्रूफ। तो दोस्तों, आप लोग ये देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल GD BSF CISF CRPF एंड SSB एग्जामिनेशन 2011 इम्प्रेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर RAG। दोस्तों उस टाइम दोस्तों NIA SSF, ठीक है ना, असम राइफल इसमें था नहीं, ठीक है ना, इसमें नहीं था। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम देख लेते इन दोस्तों ब्लू कलर क्या है। दो नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, द इशू हुईज वॉज कॉन्फ्रॉन्टेड बाय द कोर्ट वॉज अनफिल्ड वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन वेरियस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेरिया इनिटेड इन द ईयर 2011। तो दोस्तों आप लोग इसमें देख सकते हैं 2011 का एक कोर्ट केस के बारे में कुछ लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है इसमें। तो आप लोग SSC GD 2011 का कोर्ट केस का पूरा डिटेल्स पाने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है SSC GD 2018 दिल्ली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली प्रोटेस्ट। ठीक है, यही है उसका टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। तो आपको, आप लोग उसमें जुड़ जाइए। ठीक है, पूरा 2011 का पूरा डिटेल्स, कोर्ट केस का पूरा डिटेल्स ऑर्डर पाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों ग्रुप में जुड़ जाइए, हम लोग दे देंगे, और ग्रुप का लिंक दोस्तों हम नीचे दे देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों। हम दोस्तों 2011 का दोस्तों वो कोर्ट केस का जो ऑर्डर है दोस्तों वो हम उसमें शेयर कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए वो कोर्ट केस का पूरा ऑर्डर। ठीक है ना, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों, हम टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है ना, और दोस्तों चलो दोस्तों फिर किया है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, आपका जो 11 का जो लिस्ट आया है दोस्तों, सेकेंड लिस्ट आया है, ये देखो उस वो लिस्ट। ठीक है, देखो ऊपर क्या लिखा है दोस्तों। ठीक है, ये जो ब्लू कलर किया है दोस्तों, उसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों उसमें क्या क्या है दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग जितना भी 18 का स्टूडेंट है दोस्तों, वो लोग अभी दोस्तों कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का दोस्तों ज्वाइनिंग मिल सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको 100% दोस्तों दोस्तों बुर्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों एक बात क्या है दोस्तों, वो 2011 में जो दोस्तों 2011 में दोस्तों स्टूडेंट ने दोस्तों दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, तो 2018 का स्टूडेंट दोस्तों हम लोगों ने दोस्तों प्रोटेस्ट किया है दोस्तों, उन लोग दिल्ली में धरना पर बैठा था दोस्तों।
ठीक है, हम लोग भी दोस्तों धरना पर बैठा है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, उनका साथ हमारा बहुत मिलजुलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ठीक है। ए में 100% बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम तो दोस्तों आप लोगों का साथ खड़ा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये देखिए 2011 का दोस्तों न्यूज़ है दोस्तों, खाली पद का भरने का पूर्वों में बड़ा आंदोलन हुआ। इलाहाबाद कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का सिपाही जीडी परीक्षा 2011 का खाली पद पर चयन की मांग कर लेकर परीक्षार्थी ने इससे पूर्वों में कई बार आंदोलन किया, ठीक है। इस टाइम हम लोग भी दोस्तों आंदोलन कर रही है कि छात्रों का और से काट कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद 2014-15 में एसएससी की और से अच्छा मेरिट वाला अभ्यर्थी का दूसरी सूची में मौका किया गया था। इसके बाद भी 28,000 से अधिक पद खाली रह गया था। एसएससी का और से 2011 में केंद्रीय सुरक्षा बल में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में लगभग 72,000 सिपाही का पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगी गई थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में 28,044 वैकेंसी खाली रह गया था। दोस्तों ये 2011 का है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे 2015 का क्या है दोस्तों, वो भी हम लोग दोस्तों आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए 2015 में क्या है दोस्तों, अर्धसैनिक बल में रिक्त पद पर भर्ती का आदेश। 2015 का भर्ती में खाली रह गया 7,052 पद दोस्तों। ये देखो प्रयागराज इलाहाबाद, ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश का अर्धसैनिक बल में जीडी कांस्टेबल का भर्ती 2015 का दौरान खाली रह गया 7,052 पद का शीघ्र भर्ती का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग का इस मामले में दो महीने में दोस्तों निर्णय लेने कहा है दोस्तों। ये भी 2015 का है, तो दोस्तों हम लोग उधर टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये न्यूज़ पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों, उधर से आप लोगों का दोस्तों ये न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक। तो दोस्तों आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप उम्मीद मत हराइए, खुद का ऊपर विश्वास रखिए। देखिए दोस्तों आपका हक आपको मिल जाएगा, ठीक है। खुद का हक खुद को लड़के लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, ठीक है, दिल्ली में अभी कोरोना काल है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप लोग दिल्ली आ जाइए, ठीक है। ट्विटर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन कीजिए, ट्विटर में ट्वीट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का दोस्तों दिल्ली आके दोस्तों कोर्ट में केस भी करना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, जितना भी स्टूडेंट है, सारा स्टूडेंट दिल्ली में एक बार आ जाए ना, 5 दिन के लिए दोस्तों दिल्ली में आ जाए ना, तो ज़रूर आप लोगों का दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूर आप लोगों का वर्दी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ 5 दिन के लिए, ठीक है, दिल्ली में लॉकडाउन कोरोना ख़त्म होने के बाद आप लोग सिर्फ 5 दिन के लिए दिल्ली में आ जाओ, देखो उसके बाद क्या होता है। दोस्तों मैं भी एक खुद एसएससी जीडी 2018 का स्टूडेंट हूँ, मेरा भी दोस्तों मेरिट से निकाल दिया गया है, ठीक है। मेरा 0.27 पे दोस्तों निकाल दिया गया, ठीक है। दोस्तों मेरा भी दुख होता है, मेरा भी कष्ट होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में गाली देते हो, ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गाली दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। देखो दोस्तों मैं YouTube पे दोस्तों पैसा कमाने के लिए इधर नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं ये 2018 एसएससी जीडी का मुद्दा को दोस्तों ताज़ा रखने के लिए, ठीक है, मैं YouTube पे ऐसा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, इसको ताज़ा रखने के लिए, ठीक है। ना तो आप तो भूल जाएंगे इस मुद्दा को, ठीक है। ओके दोस्तों, तो और क्या बोलूँ, तो आप इस वीडियो को दोस्तों जो मर्जी हो करो, जो कमेंट करना है, गाली देना है तो गाली दो,
जो करना है करो, मेरे का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। दो स्टूडेंट सुने वही मेरा मेरे लिए दोस्तों बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, मर्जी है तो करो, ना मर्जी है तो मेरे को गाली दे के इस वीडियो को छोड़ के जाओ, ठीक है। मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय वॉचिंग द वीडियो।